बीते 5 जनवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट पेश किया। जी हां, 17वीं लोकसभा का पहला आम बजट, जिसमें बार बार $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जिक्र किया गया। जी हां, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी सुनकर ऐसा महसूस हो रहा था मानो हमारा देश दुनिया का बहुत रईस देश है। लेकिन हमारे देश की हकीकत फिल्म आर्टिकल 15 से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है, जिसमें 3 बच्चियां संघर्ष करती हैं कि उन्हें 28 रुपये रोज़ का वेतन मिल जाए, लेकिन ठेकेदार 25 रुपये रोज़ का वेतन देता है। होता यह है कि वह लड़कियां अपना संघर्ष आगे बढ़ाती हैं, विरोध करती हैं, ठेकेदार उन पर जुल्म जास्ती करता है, उनकी असमत रेजी करता है और 2 बहनों को मार देता है। एक बहन जिंदा बच जाती है, लेकिन उसकी हालत क्या थी यह आप फिल्म में देख सकते हैं। आर्टिकल 15 में जिन दृश्यों को दिखाया गया है वह दृश्य बहुत ज़्यादा हकीकत से मेल खाते हैं और हमारे देश की आज की तस्वीर को बयान करते हैं। क्योंकि जिस $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जिक्र बार बार किया जा रहा था वह तो महज कुछ पूंजीपतियों के हाथों में है। असल में देश के ग्रामीण बहुल क्षेत्रों में, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी है। अमरावती ज़िला भी ग्रामीण बहुल और आदिवासी बहुल क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। ऐसी ही कुछ स्थिति अमरावती में भी है। कुछ शक्तिशाली और संपन्न लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़िला का ज़्यादातर हिस्सा गरीबी की रेखा के नीचे जीने को मजबूर है। आर्टिकल 15 वाली कहानी इन गरीबों के जीवन में रोज़ दोहराई जाती है। रोज़ मजदूरी के लिए संघर्ष होता है। न जाने कितने ही परिवार अपने घरों से दूर रोजी रोटी की तलाश में आते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें वह रोजी रोटी नहीं मिल पाती जिसकी वो तलाश करते हैं। यही वजह है कि अमरावती ज़िला देश के कुपोषित ज़िलों की सूची में आता है। एक ओर भुखमरी के शिकार कई किसान बहुल क्षेत्र हैं, तो वहीं इसी कृषि प्रधान देश में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जिक्र बार बार किया जा रहा है, शायद जनता को व्यतीत कराने की कोशिश है कि देश आगे निकल चुका है।